क्योंकि हर एक बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा शायद कुछ डिफरेंट डिमांड्स है उसकी, उसको कंपेयर ना करें किसी के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बच्चा है तो आपका बच्चा, लेकिन वो सोसाइटी का एक फर्द है। बिल्कुल, आप सोसाइटी के लिए एक फर्द डेवलप कर रहे हैं, और हर पेरेंट जिससे भी आप पूछे वो ये चाहता है कि जो एक बेहतर सोसाइटी का ख्वाब देखता है, लेकिन अपने बच्चे की बेहतरी के लिए अपने बच्चे को कितना बेहतर इंसान बना रहे हैं, क्योंकि उसने जाके सोसाइटी में परफॉर्म करना है, उस पे फोकस दिया ना, खुद कितना बेहतर इंसान है आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू करियर कैंप। आई एम योर होस्ट नीनी शारजू। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम है कैसर शिनवारी, और वो मेरे टीचर थे और बहुत अच्छे स्कल्प्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं हम। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर आपसे तो सबसे पहले तो मैं ये चीज पूछूंगी कि आप इधर कैसे आए, मतलब हाउ डिड यू बिकम अ स्कल्प्टर? अच्छा, इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा, क्योंकि ना बचपन से ख्वाब फौजी बनने का था। अच्छा, कि मैंने फौजी बनना है, और सारे इंग्रेडिएंट्स चेक किए कि क्या क्या रिक्वायर्ड है एक सिलेक्शन के लिए, उसकी फिर ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन somehow नहीं सिलेक्ट हुआ। और कराची स्टेशन पर बैठ के मैंने सोचा अच्छा मुझे और क्या आता है, क्योंकि ये तो चांस जरा खराब लग रहा है कि मुश्किल है कि मेरा सिलेक्शन हो तो क्या होगा। तो वहां पर मुझे ख्याल आया कि मुझे थोड़ी सी ना ड्राइंग का शौक है, आती नहीं थी तब तक, लेकिन शौक बहुत था, क्योंकि कुछ ना कुछ जो भी माचिस के डब्बों पे तस्वीरें होती थी वो बना लेता था, तो कोई और तस्वीर मिल गई तो उसको कॉपी कर लिया। लेकिन मतलब प्रॉपर नहीं आती थी, मतलब इतनी बुरी थी ड्राइंग की। हमारी क्लास सिक्स में पहली दफा ड्राइंग की क्लास होती थी कि जी हमें कुछ आर्ट करना है, और स्कूल में क्वेटा की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर इतनी बुरी ड्राइंग होती थी कि मैं अपनी ड्राइंग की कॉपियाँ अपने एक दोस्त को देता था कि जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और वो अपनी मैथ की कॉपियाँ मुझे देता था। अच्छा। मैं उसकी मैथ की कॉपियों पे उसकी असाइनमेंट करके देता था, वो मेरी ड्राइंग की कॉपियों पे करके देता अच्छा। था, अर्ली क्लास 6-7 की बात। तो लेकिन आज ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम दोनों मतलब ये कि अगर उस टाइम पर की कोई डेफिशिएंसी थी उसको हमने ओवरकम करने के लिए हम दोनों ने कोई शॉर्टकट लिए, लेकिन ये रियलाइजेशन दोनों को हुई कि यार ये बेईमानी क्यों करनी पड़ी हमें इसके लिए, तो हमें कुछ तो सीखना चाहिए था। और कहीं बैक ऑफ द माइंड शायद वो चीज रही, और फिर ड्राइंग का शौक ग्रेजुअली डेवलप हुआ कि क्यों डेफिशिएंसी है मुझे, मैंने ये करना है, उसको मैंने ठीक करना है, तो वो करते 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 और बस फिर आर्ट काउंसिल ज्वाइन किया। अच्छा। क्योंकि एमएससी मैथ में एडमिशन भी ले चुका था, इसी बीच में बीएससी मैथ कंप्लीट कर ली थी डबल मैथ फिजिक्स में, तो वहां से फिर स्विच हुआ। अच्छा, एनसीए भी है तो मैं आर्किटेक्चर में जाऊंगा। एक साल आर्ट काउंसिल ज्वाइन किया, आर्ट काउंसिल में ड्राइंग और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पेंटिंग्स और डिफरेंट टेक्निक्स मटेरियल्स को समझने शुरू कर दिया, तो फिर स्विच पूरी तरह से इस तरफ, और फिर फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया नेक्स्ट ईयर। और अच्छा, तो आपको किसने बताया एनसीए भी होता है? वो भी एक्सीडेंट था। अच्छा, वही क्लास 6 onwards to 7, 8, 9, 10 तक स्कूल में जो एक दोस्त था, तो उनमें से एक मुझे बाजार में क्वेटा में चलते चलते मिला। मैं कह रहा कहाँ होते हो तुम आजकल, क्या वो जो दोस्त इस तरह से, तो कहते मैं एनसीए में, वो क्या है? एनसीए एक कॉलेज है लाहौर में और आर्ट्स, और मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बस ड्राइंग आनी चाहिए बेसिक, और मैथ आना चाहिए, तो मैं कहा चलो मैथ तो आती है, ड्राइंग में थोड़ा बहुत शौक है तो मैं कर लूँ। तो बस इस तरह से वो पता चला। फिर आर्ट काउंसिल में जब गया तो फिर स्कल्पचर का पता चला,
स्कल्पचर भी कोई चीज होती है, क्योंकि उससे पहले इंटेंशनली कोई नहीं था, लेकिन अभी मैं बचपन की तस्वीरें अक्सर माँ मेरी मुझे भेज देती है कि यार ये तो कोई, तुम तो बचपन से ही तुम्हें शौक था बर्फ में मैं स्कल्पचर बना रहा हूँ, बड़ा भाई खड़ा बर्फ खा रहा है, तो वो एक पता नहीं शायद उस तरह से वहां से कहीं ना कहीं थी, शुरू से इंटरेस्ट था, लेकिन ग्रेजुअली समझ आई आर्ट काउंसिल में और फिर एनसीए आ गया, तो फिर यहाँ तो फिर अच्छा ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब इस सारे जर्नी से गुजरे हैं और फिर सब कुछ एनसीए में तो चले गए ना, एक डायरेक्शन मिल गई, सारा कुछ हो गया, तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था, पहली जॉब ढूंढना और सारा कुछ करना, उसमें वो क्या था? अच्छा ठीक है ना, एनसीए थीसिस वाला ईयर मतलब मोस्ट क्रूशियल ईयर होता है कि आप तो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो, बहुत एग्रेशन और पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई थी, और क्योंकि बीइंग अ स्कल्प्टर वैसे भी पता नहीं ऐसा था लगता कि यार एग्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे स्कल्प्चर्स मोस्टली उस टाइम पे भी ऐसे थे, बड़े बड़े पीसेस थे, और स्पीड का मुझे बहुत शौक है कि मैं खुद को चैलेंज करता हूँ कि यार मैं ये काम कोई अगर 10 दिन में करता है तो मैं इसको 1 दिन में 2 दिन में पूरा कर सकूँ, उस टाइम पे वो एग्रेशन बहुत ज्यादा था, वो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो उस एग्रेशन की वजह से शायद एक पॉजिटिव चेंज आया। फिर कुछ टीचर्स ऐसे उस टाइम पर स्पेसिफिकली अफशान मलिक साहब अमेजिंग इंसान है, वो उन्होंने 1 दिन पूरा दिन मेरे साथ गुजारा और बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया, मेरी थीसिस की डायरेक्शन को सीधा किया, और मुझे लगता है शायद उस 1 दिन में मेरी पर्सनैलिटी में 360 का टर्न आया। अच्छा। वो एग्रेशन डिसॉल्व हो गया, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, फिर वहां मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कैरियर में स्कल्पचर अपने इंटरेस्ट के लिए जरूर करना है, मुझे अपना ये बहुत पसंद है, क्योंकि अब बस सब कुछ यही था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं स्टूडेंट्स की लाइफ को थोड़ा इजी रख सकूं, हैपनिंग रख सकूं, और वो स्ट्रेस में ना सीखने की उनको मेहनत करनी पड़े, इजी रह के रिलैक्स होके इन्वॉल्व रह के। सही। क्योंकि हमारे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में खुद बीइंग अ स्टूडेंट था, जब स्ट्रेस में मैं काम करता था तो तबाही मचा देता था, बेड़ा गर्क कर देता था काम का भी और अपनी एनर्जीज का भी और अपनी सराउंडिंग का भी। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव रह के हर काम को एक नया चैलेंज समझने के बजाय एक नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ के करता था, तो वो मुझे बहुत इजी और फैसिनेटिंग लगता था। तो मैं कहती नहीं, अब मैंने एक टीचर बनना है सबसे पहले, और साथ में ये करूंगा जरूर, ये सब कुछ भी चलेगा, लेकिन टीचर बन के मैंने एक ऐसा टीचर बनना है कि जो सिर्फ ये ना हो कि मैं टेक्निक्स और मटेरियल्स और प्रोसेसेस को ही सिखाऊं, मैं उनमें पेशेंस डेवलप कर सकूं और वैल्यू करना सिखा सकूं बच्चों को कि यार समटाइम्स बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अपेरेंटली जो लग रही होती हैं वो बहुत टेम्पररी है, क्योंकि कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है, पूरी यूनिवर्स को हम मानते हैं कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं किसी भी चीज में खत्म हो जाना है सिवाय एक अल्लाह ताला की जात के। तो ये प्रॉब्लम्स छोटी मोटी असाइनमेंट्स मार्क्स अच्छा बन गया बुरा बन गया गलत हो गया फेल हो गए, तो ये छोटी चीजें हैं, आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे एक बिगर पिक्चर की तरफ देखना है कि आपका गोल क्या है। वो जो क्लास 6 की हरकत थी हमारी कि जिसने ड्राइंग की एक छोटी सी हरकत कर दी, लेकिन उसकी बिगर पिक्चर देखें तो बिल्कुल एक नई कहानी है, एक नया एक्सपीरियंस है, एक नई डायरेक्शन मिली, उसी अपनी गलती से उसी फेलियर से कुछ सीखा, तो वो सीखा हुआ आज तक मुझे पे बैक कर रहा है। अगर उस टाइम पर मैं वो करता कि जी भाड़ में जाए, मैंने नहीं करना ये और नहीं हो रहा मुझसे और स्ट्रेस तो बस में कराते रहो एंड तक नहीं सीखना हो गया, नहीं सीखना तो नहीं सीखना। तो अब मैंने वो जो मैथ की स्किल थी वो मैं एमएससी तक भी लेकर गया, और वो जो ड्राइंग की डेफिशिएंसी थी उसको इतना इंटरेस्ट बनाया कि मैं यहाँ तक अभी तक उसको कर रहा हूँ,
और फिर ऑब्वियसली स्कल्पचर का जो एक जॉब लकीली काफी ब्लेस्ड हूँ मैं कि जैसे ही थीसिस खत्म हुआ तो एनसीए ने ही प्रिंसिपल ने आके वो की अच्छा तुम क्या करोगे मैं कब मैं जाऊंगा देखूंगा तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया पहले अच्छा। तो एक गोल्ड मेडल बनाना था वो और साथ का अच्छा ये डेढ़ महीने की छुट्टियां हैं तो वापस आके ना पढ़ाना शुरू कर दिया अच्छा वेरी नाइस अभी से ख्वाहिश थी उनको पता नहीं कहां से पता चल गया उन्होंने मुझे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन टीचर्स के साथ उन्होंने मुझे डाल दिया कि इसकी ट्रेनिंग करो इसको अच्छा टीचर बनाओ और ये करें तो मैं वहां पे उनको स्कल्पचर्स और ड्राइंग्स ये पढ़ाना शुरू कर दिया था तो मुझे उस तरह से कोई चैलेंज लाइफ में नहीं फेस करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ जॉब क्योंकि वो जो एक चेंज था पॉजिटिव माइंड का मुझे लगता है कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज वैसे ही आपके लिए खोल देता है ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे तो फिर आप जो डिजायर करते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो जो आप अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाता है आपको आपको नहीं पता होता कि कब से कहां क्या हो रहा है लेकिन सब कुछ हो रहा होता है ऐसे ही तो मुझे जॉब भी मिल गई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया और अब तो पीआईएफडी मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि वहां पर बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था स्टार्ट में बिल्कुल वो कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो जो डिसिप्लिन वाला एक फैक्टर था वो मेरे लिए ज्यादा एक लर्निंग इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ कि हाँ इस सिचुएशन में हमने कैसे चीजों को इवॉल्व करना है एनसीए में आपको फ्रीडम होता इतना फ्रीडम था और... इतना फ्रीडम था और यहाँ पर आप खुद वहां से ही है तो आपको बेहतर आइडिया है तो लेकिन उसमें भी कि सख्तियां आपको बनाने के लिए होती हैं बिल्कुल ऐसे वहां पे अगर वो सख्तियां थी या हैं वो जिस तरह का बच्चा वहां से पास आउट होके निकलता है तो वो बहुत मैच्योर हो जाता है क्योंकि उसको डिसिप्लिन में रह के चीजों को ऑर्गेनाइज करना और रिजल्ट्स अचीव करना ऐसे ही वो आता है तो ये मुझे फिर वहां पसंद आया तो मैं फिर वहां पे भी इतने सालों से तकरीबन 12-13 साल से ऊपर हो गए मैं वहीं पर हूँ अच्छा ठीक हो गया सर आपको अब कितना मशाला अरसा हो गया 10-15 साल हो गए टीच करते नहीं ज्यादा 20 साल ओए माशाल्लाह ठीक है 10-15 साल से हम देख रहे हैं और उससे पहले से ठीक हो गया तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को आप जब इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं आपकी क्या जजमेंट है या क्या ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे क्या सोच के आते हैं उनको पीछे से किस तरह की मतलब दिया जाता है कि इस तरह बेटा आपने ये करना है और फिर आके वो कितना चेंज हो जाते हैं तो इसको हम बेहतर किस तरह से कर सकते हैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बहुत लिमिटेड बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हो उसके बारे में बिल्कुल चाहे वो डिजाइन की कोई भी क्योंकि हमारी अभी भी अनफॉर्चुनेट सा सीन है कि करियर की जब बात आती है तो फॉरन डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट फौजी ये अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं जबकि अब ऐसा लिमिटेड नहीं रहा और ये गलती शायद थोड़ी सी हमसे भी हो जाती है ओल्ड स्कूल थॉट होने की वजह से शायद या एक्सपोजर उस तरह से हमारा अगर नहीं ग्रो किया कि बहुत से पेरेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज का नहीं पता नहीं पता ना बिल्कुल हमारा बच्चा अगर मोबाइल पर बैठा रहे तो हम उसको डांट देते हैं कि क्या जबकि अब मोबाइल पर ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लर्निंग की भी और अर्निंग की भी हाँ जी बिल्कुल दोनों तो अगर आप हाँ चैनलाइज करें समझें उन अपॉर्चुनिटीज को तो आप बेहतर गाइड कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारा मैनुअल काम है सारा फर्नीचर बनाना है ज्वेलरी बनानी है सेरामिक बनाना है फैशन ड्रेसेस बनाने हैं तो कुछ भी ये सब अब मैनुअल है अब उनके बारे में एंड प्रोडक्ट तो देखा होता है बच्चों ने प्रोसेसेस कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली होती हैं लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी वाला इंटेंशन अब कम है बच्चों में अच्छा जैसे हमारे टाइम पर तो हम ये करते थे ना कि अच्छा अगर ये कुछ ये बना रहा है ये कुर्सी कैसे बनी तो हम जाके
कारपेंटर की वर्कशॉप में बैठ के देखते रहते थे उसको कि क्या हो रहा है। स्कूल में हमारे इस तरह का था कि वहां पर ही मेटल वर्कशॉप भी थी, वुड वर्कशॉप भी थी और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप भी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें कि वायरिंग कैसे करनी है सारा कुछ क्या वो भी स्कूल में सिखाया जाता था। अब स्कूल में वैसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब बड़े बड़े स्कूल भी यहाँ पर अगर आप देखें तो उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कराते। मैक्सिमम एक दफा ले गए, एक ट्रिप करा दिया कि जी आज फ्लां कारपेट मेकिंग की वर्कशॉप हमने देखने जाना है या आज फ्लां शू मेकिंग की वर्कशॉप देखने हमने जाना है, या इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं कि जी हमने फ्लां कारपेट मेकर को बुलाया था यहाँ पे आके उसने अपना काम दिखाया और तस्वीरें खिंचवा ली हमने कि हमने कोई कमाल कर दिया। नहीं, अगर वो फील्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली एंड अप तो उसने फील्ड में करना है, जब वो प्रोफेशनल बनेगा तो उसको फील्ड का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होता। उससे पहले हमें कोई ऐसी लॉट नहीं आती कि जो सारे बच्चे इतने इन्वॉल्व हो, लेकिन अभी भी जो छोटे शहरों से लोग आते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उनमें उनमें एक वो जो लर्निंग डिजायर है वो ज्यादा होती है, बाकियों से ज्यादा होती है क्योंकि बाकी जो बड़े स्कूलों से आते हैं सिल्वर स्पून लेकर आते हैं मोबाइल से। हाँ जी। आप इधर कोई टास्क दे उनको फौरन ही वो गूगल सर्च करना शुरू कर देते हैं। मतलब इतना फनी होता है, मैं हमेशा उनको कहता हूँ यार पहली असाइनमेंट हमारी होती है सपोज सेल्फ पे कुछ बनाना है, तो वो सेल्फ पर बनाने के लिए गूगल ढूंढ रहे होते हैं। भाई सेल्फ ये है अपने बारे में सोचो, अपने बारे में एक्सप्रेस करो, अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में सोचने के लिए करेज चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अब वो करेज वो कन्वीनियंस पे जाते हैं, गूगल पे जाएंगे, कोई एक फॉर्म नजर आएगी, फिर हम उसका प्रोसेस देखेंगे कैसे बना और हम इसको बना देंगे। अब मसला बच्चे का कसूर नहीं है इसमें, मसला इन्फॉर्मेशन को जो इतनी बम्बार्ड है हर तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आप एक लफ्ज लिखें गूगल पे आपको उसके 50,000 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि क्या क्या है और कैसे कैसे है, फिर इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे यूट्यूब पर और इस तरह की आपको चीजें मिल जाती हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि इतनी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक ही टॉपिक पर आपको मिल रही है, अब उसमें से ठीक है या नहीं है। फिर वो फेक न्यूज, ये भी बहुत इतना ज्यादा एक फेक इम्प्रेशन बना के छोड़ा हुआ है ना। बिल्कुल, कोई अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या अपने फिलॉसफी को बेचने के लिए कुछ भी कह देता है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो अब आप सही क्या देख रहे हैं वो पिक करना, चूज करना शायद उस बच्चे का कसूर नहीं है क्योंकि उसको जो मिल रहा है वही फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है अपेरेंटली। तो हमारी सोसाइटी ने फिर वैसा नहीं किया, बुजुर्गों ने अब बच्चों से बात करना कम कर दिए क्योंकि बच्चे भी शायद अब उस तरह के नहीं है, लेकिन बड़े हमें हमारे बड़े कहानियां सुना सुना के सिखाते थे कि जी ऐसे होता है ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो फिर वो इंटरेस्ट डेवलप होता था। अब शायद बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, फिर स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वो वेस्टर्न और यूरोपियन इन्फ्लुएंस और बड़े स्कूलों में, छोटे में जरा फिर आपको इधर उधर की लोकल सराउंडिंग की बातें मिल जाती हैं, तो मेरे ख्याल में बच्चा वो कंफ्यूज सर इसका है। आपको ये नहीं लगता कसूर ये है कि हम पेरेंट्स ही, जाहिर है सबसे पहले तो पेरेंट्स का ही सोच है ना कि वो उन्होंने बुक्स को और सिलेबस को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी और स्किल्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और डेली लाइफ जो आपका है रूटीन पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्शन वो खत्म हो गया, सोशलिज्म तो खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, और ये भी बुरी बात है ये सोशल मीडिया आ गया, लेकिन सोशल जो है ना सोशलिज्म खत्म हो गया मजेदार बात। तो खैर इतना मीम्स बनते हैं, इतना वो होता है कि exactly. दोस्त नहीं है बस मोबाइल हाँ और इस तरह से, तो लेकिन स्किल्स कितने जरूरी हैं, कसूर किसको हम ठहरा सकते हैं, स्किल्स अल्टीमेटली जरूरी है ना। मेरे ख्याल से तो वही बेस तो वही है, सब कुछ वही है, और जिस हमारी पहले एक से भी बात होती कि स्किल किसी भी काम को अपने माइंड से जो आप सोच रहे हैं जो आप इंफॉर्मेशन है उनको सही तरह से प्रोसेस करके आगे डिलीवर करते हैं वो आपकी स्किल है। चाहे आप लिखने वाले हैं, चाहे आप बोलने वाले हैं, चाहे आप कोई इंजीनियर हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई डॉक्टर है, आप इतने स्किलफुल हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट भी एग्जैक्टली कर सकते हैं।
तो सारा दिन हर वक्त 24 घंटे आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है अगर आपकी ऑब्जर्विंग ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को, आप एनालाइज कर सकते हैं और फिर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है। लेकिन अगर आप रिजिड होकर ये सोचे कि जो मैंने सोचा वो ठीक है, बिल्कुल, तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो बंद हो गई। आप ये भी है कि हर एक का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा फिर हर एक चीज को अलग अलग खानों में रखे तो वो फिर एक नैरेटिव नहीं बना सकेगा, नहीं बना सकता ऐसे। अगर आप चीजों को कनेक्शन में दिखाएं, उनको कनेक्शन में बताएं कि अच्छा ये देखो ये चिड़िया है, ये ऐसे उड़ती है, तो इस चिड़िया की ये विंग्स हैं और ये ऐसे होते हैं, तो अब हम कैसे कर सकते हैं, फिर वो एक कागज का जहाज बनाकर दिखा दें कि अच्छा किस तरह से देखो कि ये वाले एक नेचर में से एक इन्फ्लुएंस लेके यहाँ पर, और फिर अच्छा ये विंग्स और बड़े हो गए तो इतना बड़ा जहाज बन गया, बन रहे। तो इंफॉर्मेशन को शायद थोड़ा सिंपलीफाई करके बताएंगे। अगर आप डायरेक्ट उनको जहाज बताना शुरू कर देंगे तो छोटे बच्चे कहेंगे ये तो भाई बस जहाज ही होता है, फिर वो चिड़िया को कभी नहीं देखेगा। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो और वो फिर आगे टाइम आएगा तो फिर कभी शायद वो खुद एनालाइज कर ले कि हाँ यार ये वो भी हर कोई तो नहीं करेगा ना। सो ये तो हो गया। अब आप एक जो अपनी तरफ से कह सकेंगे कि आजकल की जनरेशन को भी और पेरेंट्स को, दोनों को अलग अलग आपने मैसेज देना है अपनी तरफ से जो आपको लगता है उनकी बेहतरी के लिए हो। ये तो थोड़ा मुश्किल है कि एक ही मैसेज में सारे पेरेंट्स कवर हो जाए या सारे बच्चे कवर हो जाए। सही। तो क्योंकि हर एक बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट्स है, पहले तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा शायद कुछ डिफरेंट डिमांड्स है उसकी। हाँ। उसको कंपेयर ना करें किसी के साथ कि ये फलाने तो ये कर लिया, फलाने तो वो कर लिया, फलाने तो ऐसे टॉपर है, फलाने तो ये कर लिया, तो एक तो कंपेयर ना करें पहली बात, और इस बात को एडमिट करें कि उसकी सोच फर्क है, तो उसकी सोच को समझने की कोशिश करें। प्लस फिर आप अपने आप को भी वेल इन्फॉर्म्ड रखें बीइंग अ पेरेंट, कि आप ये डिफाइन कर लें कि आपके नज़दीक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है या कामयाब, क्योंकि कामयाब की डेफिनेशन क्या है और अच्छे की डेफिनेशन क्या है ये भी फिर आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट सबसे ज़रूरी है ये। आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं अपने बच्चे को जब आप देखते हैं 30 साल 25 साल के बाद, जिस भी एज में आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप उसको किस तरह का इंसान देखना चाहते हैं? क्या अगर आप उसके दिमाग में ये डाल देंगे कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, तो उस तरह से ये ट्रेनिंग करें उसकी, लेकिन लीगल वेज में रहते हुए उसको वो सिखाएं कि जो अच्छे ईमानदार तरीके से वो पैसा कैसे कमा सकता है, और फिर साथ में पैरेलल अच्छा इंसान बनने की भी ट्रेनिंग दें कि वो लोगों का हक ना मारे, लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए। जैसे भी एक अनफॉर्चुनेट सा वाकया इधर हुआ कि पेरेंट्स ने अपने सामने तो बहुत अच्छी तरबियत की होगी बच्चे की, बहुत आज़ादी दी होगी उसको कि जी बहुत इंडिपेंडेंट है हमारा बच्चा, बहुत सब कुछ है, लेकिन कंट्रोल नहीं रख सके। छह लोग ड्राइविंग हादसे में। तो अब ये क्योंकि अल्टीमेटली आपका बच्चा है तो आपका बच्चा, लेकिन वो सोसाइटी का एक फर्द है। बिल्कुल, आप सोसाइटी के लिए एक फर्द डेवलप कर रहे हैं, और हर पेरेंट जिससे भी आप पूछे वो ये चाहता है कि जो एक बेहतर सोसाइटी का ख्वाब देखता है। लेकिन अपने बच्चे की बेहतरी के लिए अपने बच्चे को कितना बेहतर इंसान बना रहे हैं, क्योंकि उसने जाके सोसाइटी में परफॉर्म करना है, उस पे फोकस नहीं है ना। खुद कितने बेहतर इंसान है आप, आप खुद कितने लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। मतलब आसानियां ये नहीं है कि आपने किसी को खाना खिला दिया या सिग्नल पे फकीरों को पैसे आपने ज्यादा दे दिए या किसी के आपने कपड़े खरीद कर दे दिए। आसानियां ये भी है कि आप सड़क पर चलते हुए सामने से गाड़ी आ रही है तो आपने अपनी बीम लो कर दी, बिल्कुल, कि उसकी आंखों पर ना स्ट्रेस पड़े
क्योंकि वो नहीं है, लेकिन हम माशाल्लाह पेरेंट्स भी इस बदतमीजी में बच्चे देखते हैं फिर ये। हाँ जी। ओवर स्पीडिंग आप भी करते हैं बिल्कुल, और बड़े फखर से करते हैं कि हम तो बहुत कूल हैं। हाँ। जब आप जिस दिन आप पेरेंट बन गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सोसाइटी को फॉर्म करने की शुरू हो गई। हाँ। ज्यादा उससे पहले भी थी, आपने एक इंडिविजुअल रह के परफॉर्म करना था, लेकिन वो पेरेंट बन गए तो फिर आपने अब सोसाइटी में एक नया इंसान ऐसा दिया है कि जिसने आगे सोसाइटी को चलाना है, तो थोड़ा जरा ध्यान रखें, कंपेयर ना करें अपने बच्चों को दूसरों के साथ, उनकी बेहतरी के लिए करियर पाथ चूज करने से पहले खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि मॉडर्न ट्रेंड्स के रिक्वायरमेंट क्या हैं। अब वो वाला दौर चला गया कि सिर्फ 4-5 मेजर चीजें थी कि इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, फिलोसोफर बन गया, फिलोसोफर तो फिर भी जरा मुश्किल चीज है, साइंटिस्ट बन गया या आर्किटेक्ट बन गया। अब करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है जिसमें लर्निंग और अर्निंग दोनों अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो बीइंग अ पेरेंट आप खुद को थोड़ा सा चैलेंज लें, इम्प्रोवाइज करें अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को कि नए ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। और बीइंग अ फॉर अ चिल्ड्रन फॉर अ चाइल्ड वो तो अपने पेरेंट्स की सुने, उनकी बात को समझें, उनकी बात को वैल्यू करें। आप बिल्कुल ये जब हम सोचते हैं कि जी फ्ला के अब्बा तो ऐसे, फ्ला की अम्मा तो ऐसे, इतनी आज़ादी दी हुई है और हम पर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस आपकी बेहतरी के लिए हैं। अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करें, उनकी बात सबसे पहले सुनें, समझें, अपने दादा दादी नाना नानी फिर अपने टीचर्स की, क्योंकि वो भी आपसे उतने ही प्यार करते हैं, उतना ही बेहतर आपका सोचते हैं जितना कि आपका पेरेंट्स सोच रहे हैं। तो उनकी बात को समझें, अपनी ईगो को, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को जरूर वैल्यू करें, लेकिन अपने बड़ों की बात सुनें और समझें। और अगर आपको लगता है कि कहीं बड़ा आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहा, ये पूरी बात नहीं बता रहा जो कि आप ऑलरेडी उसके इन्फॉर्म हैं, तो आप अगर उनसे अपनी करंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उनके लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, उनको भी बात समझ आए। लेकिन अपने फैमिली रिलेशंस को पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत और आसान होगी। थैंक यू सो मच, बहुत मज़े की बातें थी और बाकी थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब वो आता है एज अ पेरेंट भी सोचने में और एज अ इंडिविजुअल भी। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह हम जल्दी आपको दोबारा काबू करके बातें करेंगे इतनी वो होती रही ना तो बस, लेकिन बहुत मज़ा आया, इट वॉज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट वॉज एन अमेजिंग टॉक। आई होप कि आप लोगों ने भी जो सुनी होंगी बातें वो आप लोगों को कुछ समझ आई होंगी, और हम थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में इसलिए बात करते हैं कि जैसे हुई बात है हर करियर के बारे में, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से चूज़ करनी है, कौन सी ठीक है और हमारे हमें कौन सी सूट करती है, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट बिलो इफ यू हैव एनी सजेशन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।